जब आदमी पर ये इस तरह की कैफियत तारी हो जाए कि बदर लगे कि अब कुछ नहीं बनने वाला, उस वक्त रुजू इल्लाह करने पर फौरन दरवाजा खुलेगा। लेकिन इस वक्त हम पीछे हट जाते हैं, ये हमारा काम ये है। जब सब बंद हो गया ना, तो जब ये कोई इम्कान ही नहीं है, अब बजाय इसके कि आप बैठे रुजू करें, मता नसल्लाह वाली कैफियत है, अला इन नसल्लाह करें, ये कुरान मजीद बता रहा है। तो ये ऐसी तारी हल कि यार अब क्या करें, कोई समझ में नहीं आ रहा, हमारा काम कैसे होगा है, अल्लाह मियां तेरे और कोई करने वाला है। बस उस वक्त असबाब के दर्जे, असबाब सारे इंसान की निगाह से गिर जाते हैं, सिर्फ ज़ात इलाही रह जाती है। ये वक्त होता है जिससे शैतान में मायूस करता है, अगर इस वक्त करे कि अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई कैसे मेरा काम होगा, अला इन रसल्ला, ये फौरन वादा आएगा और आपका काम हो जाएगा माशाल्लाह। ये एक खास कैफियत होती है जिसको हम जो है ना उससे फायदा नहीं उठा पाते, और ये कैफियत हर वक्त नहीं आती। कभी इंसान पर ऐसा आता है कि उस वक्त असबाब के दरवाजे मसदूद हो जाते हैं, तो उस वक्त बड़ा दरवाजा खुलना होता है, क्योंकि हमारे वाल साहब फरमाते थे अगर किसी बिल्डिंग में दरवाजा ना हो तो आप किसी जगह भी दरवाजा खोल सकते हो जोर लगाकर, और अगर दरवाजा होगा तो खाम का जहन उधर ही जाएगा किस वक्त जोर, हालांकि चाहे दूसरी दीवार बिल्कुल पतली हो, धक्के देकर आप निकल सकते हो, अब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे और तरफ कोशिश ही नहीं करेंगे, लेकिन जब दरवाजे बंद हो जाए तो फिर जब वो ऊपर रुझू करता है तो फिर किसी जगह से ही दरवाजा खोल, फिर ऐसा दरवाजा खोलते हैं कि वो दीवार ही गिरा दे तो ताकि बंद ही ना हो।